देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन स्क्वायर ट्रैक ऑफ एज लेंथ 100 मीटर एंड एथलीट स्टार्ट फ्रॉम द वन कॉर्नर एंड रीच डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, फाइंड द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर ट्रैक है, ठीक है, एक स्क्वायर ट्रैक ऑफ एज 100 मीटर और एथलीट स्टार्ट करता है किसी एक कॉर्नर से और पहुंचता है डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एक जो ट्रैक बना लेते हैं किसी पार्क या ग्राउंड का, कोई फील्ड है जिसमें ये दौड़ रहा है ना, और डायगोनली अपोजिट ये जाता है, इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये जाएगा। देखिए स्क्वायर ग्राउंड है, स्क्वायर ग्राउंड हम लोग को ध्यान देना है। तो स्क्वायर ग्राउंड का मतलब है कि ये जो ट्रैक होगा ये भी 100 मीटर का होगा, ये ट्रैक होगा ये भी 100 मीटर का होगा, ये ट्रैक जो होगा ये भी 100 मीटर का होगा, है ना, और ये भी जो होगा वो कितने का, 100 मीटर का होगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि इस पॉइंट से कोई पॉइंट ए है, इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। ए पॉइंट से ये चलना शुरू करता है जो एथलीट है, और चलते चलते पहले बी पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, और बी से पहुंच जाता है, ये कहाँ पहुंचता है, सी पॉइंट पे ये पहुंचता है, सी पॉइंट पे पहुंचता है, इतनी सी बात है। अब ए पॉइंट से चलना शुरू किया तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हम देख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, 100 मीटर। उसी प्रकार से डिस्टेंस ऑफ बी सी 100 मीटर। तो यहां से ये जितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, जितना दूर चलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए टोटल डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट 100 प्लस 100 मीटर, दैट इज 200 मीटर। ये तो एक बात हुई कि 200 मीटर यानी कि 200 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, यही होता है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटी दूरी होती है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब मान के चलिए कि ये यहां से यहां तक हम गए, बी के पास गए, और बी से हम यहां से यहां आते हैं, यहां से यहां तक हम जाते हैं बी पॉइंट पे, और बी से यहां तक आते हैं तो सी पे आएंगे। अगर हम कोशिश करें कि बीच से ही निकल जाए, ए से सीधा कहाँ चले जाए, सी के पास, ए से सी के पास चले जाएं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एक बात समझ में आती है कि जो अगर हम ए सी निकाल लें डायरेक्ट, क्या निकाल लें, ए सी निकाल लें, तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बोल सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, क्योंकि ए से बी नहीं जाना है, बी से सी नहीं जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, तो हम इसको ए सी मान सकते हैं। तो ए सी, और ये कैसा जो ग्राउंड बना हुआ है, कैसा ग्राउंड है, ये स्क्वायर ग्राउंड है,
स्क्वायर ग्राउंड है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे 100 100 का, जो कि स्क्वायर है। तो एसी हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, एसी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जैसे ही ये होता है तो हम लोग कह सकते हैं ए बी के स्क्वायर को 100 का स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर को 100 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, 100 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर इंटू 2। स्क्वायर टर्म है तो बाहर निकल जाएगा, तो 100 और ये 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो 2√2 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। दो चीजें, डिस्टेंस कितना था 100 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 100√2 मीटर आ गया, इतनी सी बात थी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम लोग, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, पहले मैं इसको हाईलाइट कर दूं। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन बोलता क्या है, इन अबव क्वेश्चन इफ द एथलीट रीच बैक टू द सेम कॉर्नर आफ्टर रनिंग द ट्रैक वाज फाइंड द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट। यानी अगर ये क्या करता है, रनिंग ट्रैक से एथलीट वापस आ जाता है सेम कॉर्नर पे जहां से चला था, ठीक है, तो मुझे बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है। इसी में ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, अब यहां पे समझने वाली बात है, एक चीज समझेंगे हम लोग, ध्यान देने वाली बात है, अगर ये ट्रैक है ये ट्रैक है, ये 100 मीटर का है, ये 100 मीटर का है, हमने नाम दिया था ए बी सी डी। अब चूंकि यहां से जो एथलीट था यहां पे पहुंचा हुआ था सी पॉइंट पे, सी से वापस जाएगा तो 100 जाएगा, फिर वापस जाएगा तो कितना जाएगा, 100 जाएगा। 100 यहां से यहां 100 गया और फिर यहां से यहां 100 गया, ठीक है, तो 100 100 200 मीटर। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, एथलीट रीच बैक टू द सेम कॉर्नर आफ्टर रनिंग ऑन द ट्रैक फाइंड द डिस्टेंस, इसलिए आफ्टर आफ्टर रनिंग ऑन द ट्रैक, आफ्टर आफ्टर क्या करते हैं, रीचेज बैक, आफ्टर रीच बैक, जब वो वापस आ जाता है, ठीक है, जब वापस आ जाता है तो पहले का 100 और पहले का 200 अभी का 200, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, फिर से वापस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी, यानी कि 100 100 100 100, यानी कि 400 मीटर। ये पूरी तरह से डिटेल्ड हो गया यहाँ पे, समझेंगे, सी से बी गया 100, बी से ए गया 100, यानी कि 400 मीटर, 400 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में ध्यान दीजिए कि यहां से डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ए से सी तक गया और सी से वापस ए के पास आ गया, यानी कि ए पर ही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, नाउ
डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, अब ए से सी तक गया और सी से, यानी कि सी से ए तक गया, तो ए से ही शुरू किया था और ए पर ही खत्म हो गया, यानी कि गया ही नहीं, कहीं गया ही नहीं, जो नहीं गया तो 0 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में कहीं कहीं आ रहा होगा, यहां से यहां गया था ना, तो 100 मीटर मान लेते हैं, 100√2 मान लेते हैं, फिर 100 से फिर वापस गया तो 100√2, फिर 100√2 वापस मान लेते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको देखना है कि फाइनल पोजीशन पे वो किस जगह पे है, तो फाइनल पोजीशन पे वो किस पे है, ए पर ही है, और ए से, और इनिशियल पोजीशन पे किस पर था, इनिशियल पोजीशन पे भी वो ए पर ही था, तो ए से ए तक जाने में कुछ डिस्टेंस ही कवर नहीं हुआ, और डिस्टेंस कवर नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझसे पूछा जाता कि बताइए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर होगा ए से सी तक जाने में और सी से ए तक जाने में, तो ये 100√2 एक बार हम नापते, 100√2 एक बार मेजर करते, फिर से 100√2 एक बार मेजर करते, तो हमारा आंसर हो जाता 100√2 200√2, ये अपना आंसर हो जाता। ठीक है, ये इस तरीका से हम लोग को दिमाग में बात रखनी है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 मीटर, इतनी सी बात।